दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश शुरू हो गया है। इसकी तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। कैंपस के अंदर सिर्फ छात्र छात्राएं ही प्रवेश कर सकेंगे, अभिभावकों को एंट्री नहीं दी जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रवेश सुबह 10 बजे से विश्वविद्यालय परिसर स्थित दीक्षा भवन में शुरू हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्य के प्रभारी प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक एवं परास्नातक की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्य द्वार तथा दीक्षा भवन पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। परिसर में प्रवेश करते समय अपने वाहन को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बने साइकिल स्टैंड में ही जमा करने की अनुमति दी गई है। छात्र काउंसलिंग में समस्त प्रमाण पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मास्क सैनिटाइजर अपने साथ लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। परिसर में अभिभावकों का प्रवेश वर्जित किया गया है। सभी छात्रों को प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्य के प्रभारी प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया इसकी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हुई है। 4 तारीख से प्रवेश शुरू हो गया है और अभी फर्स्ट फेज में बीकॉम बीएससी का प्रवेश जो है आरंभ है और 7 तारीख से हम लोग पीजी के प्रवेश भी प्रारंभ कर रहे हैं। और इस तरह से अभी हर श्रेणी के छात्रों को वेबसाइट पर उनके कट ऑफ मार्क जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसी कट ऑफ मार्क के अनुसार बच्चे आते हैं और उनका प्रवेश जो है यहाँ पर लिया जाता है। फिर बच्चे अपना जो है वो चालान लेते हैं, अपनी फीस जमा करते हैं और विभागों में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो कोविड का चल रहा है, इस दौरान कुछ सावधानियां? नहीं, कोविड का हम लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है। हमारे यहाँ सैनिटाइजर मशीन जो है हमने लगा रखी है, कमरों को सैनिटाइज कराया गया है और बच्चे के लिए मास्क और ये आपका जो है सैनिटाइजर लाना भी ज़रूरी है और नहीं लाते हैं बच्चे तो हम लोग उनको सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। और कोई भी बच्चा बिना थर्मल स्कैनिंग के हमारे कैंपस के अंदर जो है काउंसलिंग सेंटर के अंदर नहीं जा सकता, तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्नातक का प्रवेश अपने दीक्षा भवन में रखा है और गार्जियंस के बैठने की व्यवस्था कन्वेंशन सेंटर में की है और पीजी के प्रवेश हम जो है विभागों के स्तर पर करेंगे, जिससे कि यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चों का गैदरिंग ना होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर सकें, कोविड से बच्चों को बचा सकें।